यही हैं आज जिन्होंने विशाखा त्रिपाठी को जो है नीचे से ऊपर तक पहुंचा दिया। समझ रहे हैं आप, किसी को क्रेडिट जाता है तो इनको ही जाता। आपके हस्बैंड क्या बोलते हैं ये वायरल होने के बाद ये सब चीज़ें, और आपको मीडिया में भी देखने के बाद, और क्या बोलते हैं इसमें? वो बहुत खुश है। इसी तरीके से दर्शकों, जिस तरह से आप तो देख रहे हैं इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं टीचर, उनका नाम है विशाखा त्रिपाठी। ये तो जानते हैं कि विशाखा त्रिपाठी वायरल हो गई, लेकिन विशाखा त्रिपाठी को वायरल किसने किया ये चीज़ लोग नहीं जानते, किसने वीडियो बनाया ये चीज़ नहीं जानते। ये देखिए, इधर दिखा दीजिए, यही हैं आज जिन्होंने विशाखा त्रिपाठी को जो है नीचे से ऊपर तक पहुंचा दिया। समझ रहे हैं आप, किसी को क्रेडिट जाता है तो इनको ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ही, इनके द्वारा ही बनाया गया था वीडियो। अगर सोचिए, अगर ये वीडियो शूट ना करती तो वो वीडियो हमारे और आपके बीच कैसे आता? फिर उसके बाद हम लोग कैसे एग्जाम्पल सेट करते कि एजुकेशन की फील्ड में ऐसे ही काम होना चाहिए, ऐसी शिक्षिकाएँ होनी चाहिए, ऐसा ही स्टूडेंट होना चाहिए और ऐसे ही टीचर होने चाहिए जो एजुकेशन को एक अलग लेवल पर प्रेजेंट करे। समझ रहे हैं, आज किसी को क्रेडिट जाता है तो इनको जाता है। अच्छा, क्या हुआ था मैम? आप सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम निशा। कहाँ से हैं मैम आप? मैं केरला से हूँ। केरला से हैं। अच्छा, केरला से यहाँ पर आने का क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था? क्या आपने कभी सोचा था कि यूपी में जाएंगे और किसी को स्टार बना देंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा है। कभी नहीं सोची थी ना? नहीं। अच्छा, कितना दिन हुआ है यहाँ पर आए हुए आपको? मैं अभी 3 महीने से यहाँ हूँ। अच्छा, 3 महीने से। हाँ, यहाँ। अच्छा, क्या कहते हैं, जब वहाँ से चली थी आप, तो आपको ये तो आप सोचती होंगी कि जब हम वहाँ से चले थे तो उसी समय से डिसाइड हो गया था कि हमारे द्वारा किसी का नाम होने वाला है, हमारे द्वारा, हमारे हाथों से कोई रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनने वाला है। कभी ये सोचती है इसके बारे में इस समय प्रेजेंट टाइम में? नहीं, कभी नहीं सोचा है। कभी नहीं सोचा? नहीं। अच्छा, अब तक जिंदगी में कितने वीडियो शूट कर चुकी हैं मैम? इंस्टा में तो रील किया है। अच्छा, घर में जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो वीडियो शूट करती रहती हैं? हाँ, कभी होते रहते हैं, वो सब होता रहता है। इतना तो वायरल तो नहीं हुआ है वीडियो कुछ। ये वायरल, पहली बार वायरल आपका वीडियो कर गया? फर्स्ट टाइम है। अच्छा, उस समय क्या कहते हैं, आप भी उसी क्लास में थी? हाँ, हम दोनों एक ही क्लास में हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। दोनों लोग बच्चों को डील करती हैं ना? दोनों इन साथ में डील करते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हुआ था, मैम ने बोला था कि आप वीडियो बनाओ या आपने अपने से शूट किया था? मैम ने कुछ नहीं बोला, मैं अपने से वीडियो शूट किया था, क्योंकि अदर का रोज का नॉटी है वो। हाँ, हाँ। वो कुछ करेगा तो हमने उनको बुला देंगे तो वो वही करेगा। नहीं, हाँ। मैम, मैं नहीं करूँगी, वो सॉरी वगैरह बोल के किसी वगैरह देता, वो रोज का रूटीन है उनका। अच्छा अच्छा, रोज की उस बच्चे की शरारत है, रोज की आदत है ना? अथर्व का जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो वैसे तरीका करता है वो। अथर्व के जैसे और भी बच्चे हैं जो ऐसे करते हैं डेली? हाँ, डेली वैसे करते हैं रोज। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज तो है, क्या कहते हैं मैम, उस बच्चे ने और कहीं ना कहीं आपने मैम को, शायद वो बच्चा आज मैम को जो है किसी ना दिया होता तो मैम आज वायरल ना होती। सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? होते किसी का लिया तो इस वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग, वो बच्चा पहले तो क्या हुआ था, मैम को, मैम से नाराज़ था, समझ रही हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, मैम मान नहीं रही थी और वो बच्चा क्या करता है, उसको इतना मैम से प्यार आ जाता है कि नहीं, मैम मेरे ऊपर कैसे नाराज हो सकती है। उसके अंदर जो उसका प्यार था वो छलक उठा और तुरंत जो है ना, हाँ, क्या वैसे ही होता है। अच्छा, क्या कहते हैं, वो बच्चा अभी भी ऐसे ही कर रहा है? अभी भी वैसे है, वो मेरे से भी और शागा मैम से भी वैसे ही करता है रोज। अच्छा, अच्छा। रोज का रूटीन है वो अदर का। अच्छा, जब तक वो करेगा नहीं तब तक वो बदमाश खूब करता है, और हम उनको बुला दिए तो ये शुरू हो जाएगा। अच्छा। मैम सॉरी मैम, अब नहीं करूँगा, फिर किसी देता है, फिर हमको मना लेता है वो, फिर उनका किसी में हम नीचे गिर जाएंगे, हमारा दिल में, आप लोग खुश हो जाती है किसी यही होता है ना?
अच्छा मैम क्या कहते हैं, कभी आपको ये कभी महसूस नहीं हुआ था कि आपका ये जो वीडियो है आपके हाथ से बनाया हुआ किसी का किस्मत चमका देगा, किसी का भविष्य बना देगा, रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बना देगा? ये जब सोचती हैं तो क्या लगता है आपको, आपको लगता नहीं कि हमने जो किसी का किसी व्यक्ति विशेष का हमारे द्वारा आज बहुत बड़ा कल्याण हो गया है? सही है ना? हमने कभी नहीं सोचा इतना। यही चीज है ना। अच्छा क्या कहते हैं, जब ये चीज़, आप तो केरला से हैं, ठीक है, और केरला से यहाँ पर मेन पर्पस क्या था? पर्पस तो आपने बताया ही नहीं। टीचिंग फील्ड में, टीचिंग इज आवर पैशन। अच्छा, इसीलिए यहाँ पर आई। हाँ, इसलिए आया। अच्छा, वहाँ के लोग जानने लगे हैं कि आपने किसी को वायरल कर दिया? हाँ, थोड़ा थोड़ा जानने लग गए अभी। हाँ। क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हैं, हाँ ये वीडियो के पीछे केरला वाली ने लिए, अभी थोड़ा थोड़ा जानने लग गया सब लोग। अच्छा मैम क्या कहती हैं, मैम आपको बोलती हैं कि कहीं ना कहीं आपने हमको वायरल करा दिया? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ये नहीं बोलती? नहीं नहीं नहीं। दर्शकों एक चीज़ तो है, मैम को ये बोलना चाहिए, अगर मैम ऐसा नहीं बोली है तो मैम को ऐसा बोलना चाहिए, और इनको इनको जो है इनका जो है क्या कहते हैं थैंक्स इनको बोल करके, और इनको मिठाई भी खिलाना चाहिए मैम को। मिठाई तो खिलाती है, खूब कहते हैं, ऐसे नहीं है, मिठाई तो खिलाई है उसने, बहुत अच्छा है, वो भी बहुत खुश है वो। अच्छा मैम आप वीडियो देख रही होंगी मुझे पता है, हम आपसे यही कहेंगे कि इनको इनका मुंह मीठा कराइए स्पेशल अलग से, क्योंकि जो है एक दिन टाइम निकालिए आप अपने तरफ से, और इनके लिए इनको जो है क्रेडिट देने के लिए जो है वीडियो का, जिस तरह से इन्होंने वीडियो लिया, वीडियो में तो इनका आपने नाम नहीं लिया, क्लिक बाई या जो भी इनका नाम है, क्लिक बाई निशा मैम, लेकिन हाँ इनको पार्टी जरूर दीजिए मैम, सही बोल रहे हैं कि नहीं? वो पार्टी तो वो जरूर देंगे वो। अच्छा, मिठाई भी बहुत खिलाए उन्होंने। हाँ। हर वीडियो और इंटरव्यू में मेरे नाम भी लेते, वैसे नहीं है। हाँ। बहुत अच्छी है वो। हाँ। वो बहुत खुश है मेरे से। हाँ। बहुत थैंक यू, क्योंकि इतना वीडियो में क्या वायरल का बात नहीं है, ये मन की बात होता। हाँ। है वो वीडियो अचानक लिया था हमने। अचानक आपने लिया था? क्योंकि उस दिन एक्टिविटी हो रहे थे। हाँ। एक्टिविटी के बीच में हमको परमिशन है वीडियो लेने के लिए। हाँ। बट ये दोनों का बातें बहुत बहुत क्यूटली बात करते हैं वो, अदरवाइज से ही है, बहुत क्यूट है वो। हाँ। बात करने में बहुत क्यूट, बच्चा ही क्यूट है, बहुत क्यूट है वो। तो वो बोलने लग गए तो विशाखा भी उसके हिसाब से एक्टिंग करने लग गए साथ में। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगे, तो मैंने कैप्चर करने लगे। आपको अच्छा लगा तो आपने सोचा कि इसका वीडियो बना लेते हैं। हाँ, और वो चीज जब मैम ने देखा तो उनको लगा कि अरे ये तो अच्छा क्लिक किया गया है ना, और उसी को अब सोचिए दर्शकों एक बात आपको बता दें, लोग रील्स बना कर के जो है फेमस होते हैं, शॉर्ट वीडियो, लेकिन ये वीडियो कितना मिनट का था मैम? ये 1 मिनट समथिंग था मैम। 1 मिनट से ऊपर का वीडियो था ना? एक मिनट का वीडियो इतना आसानी से वायरल नहीं होता, समझ रहे हैं? ये जान लीजिए, 1 मिनट का वीडियो इतना आसानी से वायरल नहीं होता। वो वीडियो उस दिन वायरल हो ही गया क्योंकि मैम का हाथ था ना, इसलिए। अच्छा आपके हस्बैंड क्या बोलते हैं ये वायरल होने के बाद ये सब चीज़ें, और आपको मीडिया में भी देखने के बाद, और क्या बोलते हैं इसमें? वो बहुत खुश है। क्या बोलते क्या हैं? वो इतना वो नहीं सोचा। कुछ तो बोले ही होंगे आपके बारे में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले। अच्छा अच्छा, और वहाँ से जो आपको केरल से जो मैसेज आ रहे हैं, जो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो तो बहुत खुश है, तो ये इतना वायरल वीडियो के पीछे मैं ही हूँ वो सब लोग जानने लग गया। हाँ। तो इस बात में सब लोग खुश है। अच्छा मैम क्या पढ़ाती हैं बच्चों को आप वहाँ पर? मैं इंग्लिश टीचर हूँ, LKG क्लास की। हाँ। वहाँ मदर टीचर हूँ मैं, वहाँ हैंडल करती हूँ। हाँ। अच्छा केरला का लैंग्वेज मैम क्या है? केरला के लैंग्वेज मलयालम। मलयालम है ना, तो क्या कहते हैं, और मलयालम भी आपको आता है? मलयालम तो मेरा मदर टंग ही है। मलयालम भी आता है और हिंदी भी आता है? हिंदी भी आता तो है। ऑलरेडी बात कर रही हैं, और इंग्लिश भी आता है? इंग्लिश। और कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? मुझे तमिल आता है और तेलुगु आता है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, 3 लैंग्वेज वो हो गया, 5 लैंग्वेज पूरा हो, एंड हिंदी, इंग्लिश, 5 लैंग्वेज आता है आपको। ये जान लीजिए दर्शकों, ये वो टीचर नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आता है, इनको लोकल लैंग्वेज भी आता है इनके राज्य का, समझ रही हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम, समझ रही हैं? समझ रहे हैं आप? और क्या कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो मैम इंग्लिश की टीचर ही है यहाँ पर।
अच्छा मैम, बच्चे बहुत शरारती हैं उस स्कूल के, मैं गया था, हमारा माइक लेकर के भाग जा रहे थे। हाँ वाकई में मेरा माइक लेकर भाग जा रहे थे और खुद बच्चा भाग गया था मेरा माइक लेकर, और वीडियो में भी वो दिखा था, क्योंकि एक एक्स्ट्रा माइक रखता हूँ ना, तो मेरे बच्चा मेरे बैग से निकाल कर लेकर गया और ट्राई कर रहा था, बोलने का प्रयास कर रहा था कि देखते हैं कैसे कैसे आवाज़ आती है, और यही चीज़ दिखाता है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है। बच्चा तो वैसे सर, बच्चा तो नोटी करता ही है, और इस उस स्कूल के जरूरी है कि एक ही बच्चा शरारती है, सारे बच्चे सारे बच्चे वैसे ही, अदर का जैसे सारे बच्चे, ऐसे नहीं अदर भी है, सारे बच्चे वैसे ही अदर का जैसा ही है, क्यूटी है सब। सोशल मीडिया वगैरह आप इस्तेमाल करती हैं मैम? हाँ सर, मैं करती हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहते हैं जो जो वीडियो आपने शूट किया था, जो प्रबंधक सर हैं ठीक है और प्रिंसिपल मैम हैं, उन्होंने क्या कहा था? मैम सब बहुत खुश है, इतना ये वीडियो का पीछे बहुत सारी कमेंट्स भी आए थे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आए, बट प्रिंसिपल मैम वाइस प्रिंसिपल सब लोग खुशी है, क्योंकि उनका स्कूल में इतना रोशनी आ गया, क्योंकि सब लोग जानने लगे, अभी तक किसी को नहीं पता था जयपुरिया स्कूल कहाँ है क्या है, बट अभी सब लोग जानने लग गया, और नेक्स्ट ईयर हम हमारा मन से हमको पता है नेक्स्ट ईयर बहुत सारे एडमिशन भी हमारे स्कूल में आ जाएंगे। जान लीजिए इनकी वजह से आने वाले नेक्स्ट ईयर में जो है अगले साल न जाने कितने एडमिशन आएंगे, क्योंकि इस वक्त जयपुरिया स्कूल जो है ट्रेंड पर है, समझ रहे हैं आप, और तब बच्चे बच्चों को कहाँ बैठाएंगे, ढेर सारे बच्चे आ जाएंगे। सर हम संभालेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा? क्योंकि अभी ये वीडियो में सब लोग जानने होंगे, क्योंकि हम उधर का टीचर कैसे है, कैसे पढ़ा रहे वो सब लोग जानते हैं, तो इसी वजह से टीचर्स को कैसे बच्चों को हैंडल करना है वो सब लोग, विशाखा का वो वीडियो से वायरल हो गया, वो सब पेरेंट्स भी जानने लग गया, क्योंकि हाँ इसी तरह का टीचर्स पेरेंट बच्चों को मेंटेन करना है, तो इसी वजह से पेरेंट्स खुश होंगे, नेक्स्ट ईयर पक्का हमारा क्लास पूरा बच्चे से भर जाएंगे। नेक्स्ट ईयर आपका प्रमोशन भी होगा? हाँ मे भी, प्रमोशन कुछ नहीं चाहिए, हमको प्यारी चाहिए बस। और कुछ नहीं, नहीं, अगर मैनेजर साहब देख रहे हैं अगर ये वीडियो, तो आप इन पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये इन्हीं की वजह से आज आपका जयपुरिया स्कूल जो है फेमस हुआ है, नहीं तो यहाँ पर प्रयागराज में ना किसी स्कूल का इतना ज़्यादा चर्चा नहीं होती जिस तरह से जयपुरिया की इस वक्त चर्चा हो रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग जयपुरिया के बारे में सर्च कर रहे हैं, और बच्चे और पेरेंट्स जो हैं सोचेंगे कि इसका मतलब इतना जो है यहाँ के जो टीचर्स हैं फ्रेंडली हैं, बच्चों को इस तरह से डील करते हैं, समझ रहे हैं, तो वो होता है कि फिर पेरेंट्स सोचेंगे कि हमारे बच्चों का भी एडमिशन वहाँ पर करा दिया जाए, और किसी की वजह से वो करा रहे हैं कराएंगे तो इन्हीं की वजह से। क्या कहेंगे मैम जाते जाते, आप क्या बोलेंगी दर्शकों से, क्या बोलेंगी जिस तरह से आप वीडियो बना भी दी और आप वीडियो की क्रेडिट भी नहीं लेती, बोलती भी जब पूछते हैं लोग तभी बताती है। हाँ। और नहीं तो आप बताती नहीं कि मैंने शूट किया, ये जान लीजिए, जब लोग पूछते हैं इनसे तभी बताती हैं, नहीं तो नहीं बताती कि ये वीडियो हमने ही शूट किया, समझ रहे हैं, ऐसी हैं ये मैम, समझ रहे हैं आप। तो क्या कहेंगे लोगों से, क्या कहेंगे जो एडमिशन करवाने वाले हैं? सर एडमिशन करा रही है, हमारे बच्चों का हम दिल से पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों का हम टीचर का तरह नहीं है, उनका फ्रेंड का तरह और मम्मी का तरह हम ट्रीट करेंगे, और हम ऐसे पढ़ाएंगे बच्चों को फ्रेंडली का तरह, क्योंकि बच्चों को मारना पीटना इसमें कुछ बच्चों सुनते नहीं है पढ़ते नहीं है, बच्चों का जैसा ही हम भी बच्चों का जैसा ही उनको ट्रीट करो, और वो अच्छे से हमको समझेंगे और वो अच्छे से हम पढ़ाई भी करेंगे। आपके हस्बैंड प्रोड्यूसर का भी काम कर रहे हैं इस समय किसी मूवी में, करने वाले हैं, क्या हस्बैंड का नाम बता दीजिए? मेरे हस्बैंड का नाम बिनू वर्की। अच्छा अच्छा, तो मूवी का नाम पता है आपको? किरकन। क्या नाम है? किरकन। अच्छा, आप लोग जान लीजिए जो बोली है मैम उसी वही नाम है मूवी का, मुझे पता नहीं ठीक है क्या निकला है जुबान सुन के, वही मूवी आने वाली है। किस लैंग्वेज की मूवी है ये? मलयालम मूवी है। मलयालम मूवी है, तो उसी में प्रोड्यूसर का काम करने वाले हैं और को प्रोड्यूसर के, और सोचिए इन्होंने वीडियो बनाकर किसी को वायरल किया है, अब वो फिल्म बना करके किसी का भविष्य बनाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।